हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। एंड फ्रेंड्स, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक, एब्सोल्युटली न्यू कंसर्न। व्हाई? बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पीएसआईआर मैंने लॉन्च किया है विद रिगार्ड्स टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएसई 21, 22 एंड 23। और इसी के लिए मैंने सोचा तुमको ब्रीफ अप देना स्टार्ट कर दूं, ताकि पैरेलली तुम लोग यूट्यूब के इन वीडियोस के थ्रू भी थोड़ा बहुत, दोस ऑफ यू हैव येट नॉट यू नो स्टार्टेड प्रिपरेशन, उनको एक ब्रीफ अप हो जाए दैट हाउ शुड यू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। अमंगस्ट द मोस्ट फ्रूटफुल, अमंगस्ट द मोस्ट रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उतना ही ये डिफिकल्ट हो जाता है अंटिल अनलेस तुम्हें कोई पढ़ाने वाला हो और तुम्हें वो समझ में आए। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज वी आर स्टार्टिंग विद अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और इस कॉन्टेक्स्ट में आज जो फर्स्ट लेक्चर है इज रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोला जाता है, लिबर्टी। सो मैं तुम्हें बताऊंगा पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते कैसे है, उसे समझा कैसे जाता है, एग्जाम के लिए अप्रोच कैसे होते हैं, और मैं तुम्हें ऑलमोस्ट 100% बोल सकता हूं कि तुमने ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी कभी नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें आज तक नहीं किसी ने ऐसे पढ़ाया होगा। This is going to be big. Make sure that you watch this video till the last second. और तब तुम्हें समझ में आएगा कि सब्जेक्ट पकड़ते कैसे है और समझ में कैसे आता है। So before that, let me introduce you to the largest online learning platform in India, which is Unacademy. और Unacademy पर इतना growth हुआ कैसे, इतना Unacademy famous कैसे हुआ? It is because you get daily live classes. You will get the best of the best educators from all over India on one platform. Aur sirf tumhe jo code yaad rakhna hai wo yaad rakhna hai SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE. Aap code use karoge to tumhe immediate 10% discount milega, sirf quality governance international relation ya fir PSIR, yani ki jo mere subjects hai usi ke liye nahi, all the subjects are available under the same platform. Be it polity, governance, international relations, geography, history, economy, prelims se lekar mains tak, mains se lekar optional tak, all the subjects ke last moment tak Unacademy tumhara saath dega. Bahut hi reasonable prices hai, chahe tum plus classes lena chahte ho, chahe tum iconic classes lete ho, ya phir tum batch courses join karte ho. Bahut log aise befaltu mein complain karte rehte hain that you know money le rahe hain. Ek baar compare karna Unacademy ki subscription prices with that available outside, यानी कि offline की दुनिया में तुम्हें पता चल जाएगा कितना reasonable है। एक major announcement है, 7th March 2021 को we are having the Unacademy Combat, ये बड़ा ही important है, इसे double role हो जाता है। एक तो तुमको best of the best लोगों के साथ compete करने का मौका मिलता है, you get exam centric preparation, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें solid rewards मिलते हैं, तो don't get lose this opportunity। और मैं तुम्हें फिर एक और important announcement कर देता हूँ, और वो announcement बड़ी जरूरी है, तुमको मैं बता देता हूँ तुम्हें। अनाउंसमेंट इज 7th मार्च, 7 मार्च को सेम डेट पे 2021 मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, विच इज द कोर्स ऑफ PSIR फॉर ऑप्शनल। 10-part सीरीज होगी, और ये 10-part सीरीज में कॉम्प्रीहेंसिवली वी विल फिनिश ऑफ द एंटायर PSIR। सो अगर तुम ने अभी तक ऑप्ट नहीं किया है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जीएस और ऑप्शनल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड कोर्स ले लो, तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, इट विल बिकम इवन मोर रीजनेबल। ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, एंड यू आर वेलकम टू अटेंड आवर क्लासेस एंड मेक अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो इसका पॉइंट यहां पर रख लो, It is never too late to take a correct decision, and the time to take the decision is now. कल यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है, अब किसका इंतजार कर रहे हो, क्या होने वाला है, कौन सा मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? Make sure that you start your preparation right now. So we will understand this part, और आज का हमारा topic will be liberty. So we will do liberty as our topic, और बाप रे इसके बारे में अगर मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दू ना, उसका नाम लिबर्टी हो, तो भैया डूबते चले जाओगे, इसका कभी अंत ही नहीं होगा। लेकिन दो चीजें यहां पर जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड लिबर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्सपर्ट, लेकिन वो एक्सपर्टीज की भी लिमिट ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज यहां पर एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन हो रही है।
सो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहूंगा जहां तक कि तुम इस एग्जाम को ऐसे क्रैक कर दो कि भाई क्या मार्क्स है, लेकिन उतना उसी लाइन को थोड़ा सा एक्सीड करते चले जाओगे तो उसका रिवॉर्ड आने कम हो जाएंगे, इनफैक्ट यू विल फेल दिस एग्जाम। बट इतना ये भी नहीं है कि तुम इसको इतना सिंपलिस्टिकली लो कि तुम PSIR इसको अप्रोच ही ना कर पाओ, सो डोंट डू द बैलेंस। मैं तुम्हें सिखाता हूं लिबर्टी करना कैसे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू वेरी वेरी मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हियर, वन इज लिबर्टी, वन इज फ्रीडम, और 90% एस्पिरेंट्स को इन दोनों वर्ड्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है एक राम है एक शाम है, डजंट मैटर, ओके, ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों के बीच में कुछ क्रूशियल डिफरेंसेस है। व्हाट इज क्रूशियल डिफरेंसेस अबाउट हियर? Crucial differences is liberty is the freedom to do anything which the law allows. ऐसा लग रहा है ना मैंने बोला, मैंने नहीं बोला, Montesquieu का एक बड़ा अच्छा concept था, that the liberty is the freedom to do anything within the four walls of which law allows. So what a liberty or freedom में बड़ा major difference आने की वजह से हमको liberty के बड़ी सारी theories समझनी पड़ती है। So to understand liberty, broadly understand, okay, समझने की कोशिश करो, watch me, okay. So liberty को broadly दो parts में divide कर सकते हो, one is called as positive liberty, one is called as negative liberty. ये भी कमाल हो गया। तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा, 2019 के prelims question में ये question आया था कि what is your definition of liberty? बड़ा अच्छा question था वो, ज्यादा लोगों को उसको कुछ समझ में आया नहीं, but I'm sure कि इस video को देखने के बाद तुम पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, यानी कि वो वाला क्वेश्चन जो 2019 में आया था वो वाले टर्म्स में आया था, लेकिन द आंसर वाज सेम। इफ यू वुड अंडरस्टैंड दिस लेक्चर देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये भी एक होमवर्क हो गया, तो पता हो कि यहां से हमें समझ में आने लग जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई एंड अप्रोच लिबर्टी इन द एस्पेक्ट ऑफ टू डेफिनेशंस, वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लिबर्टी, वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिबर्टी। तो पहले देख लेते हैं नेगेटिव लिबर्टी, ये इजी है समझना, फिर पॉजिटिव लिबर्टी पे आते हैं, पहले नेगेटिव लिबर्टी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डैश, जरा लिख लो, बैठे मत रहो, मेरी क्लास में हो, ओके, यू आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ध्यान से आंसर दो, क्या लिखा है? फ्रीडम फ्रॉम डैश, ओके, फ्रीडम फ्रॉम और आगे लिख दो कुछ भी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यहां से लिखा ही नहीं जाएगा, बताओ कर दोगे? सो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस राइट इज द कॉन्टेक्स्ट जहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि यार इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ओके मुझे कोई बचा के रखे, ये लिख नहीं रहा, ये इनविजिबल हो गया, नेवर माइंड। सो आइदर वेज इट इज फ्रीडम फ्रॉम एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिबर्टी। कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आएगा कैसे? ध्यान से समझो। सो ये कॉन्टेक्स्ट बड़े हेवी होते हैं, इसके ऊपर कथाएं लिखी गई है, दास्तानें लिखी गई है, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो इसको हम फ्रीडम फ्रॉम कहते हैं। तो ये मेरा फ्रेंड है, ओहो तुमने दिया होगा, ओहो पू द बेयर, ओके वेरी स्वीट, कितने नोन हुए, ध्यान से सुनो। अब इसको मैंने पूछा, मैंने कहा पू ओके व्हाट इज योर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, तो दिस इज एन इंडिविजुअल, ये बेयर नहीं है, ये भालू नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ओके? तो हम लोग अपने आप को इस जगह पे डाल देते हैं। अब दो कैरेक्टर्स है इस मूवी में, एक है स्टेट, एक है इंडिविजुअल। मैंने क्या बोला? दो कैरेक्टर्स है, ध्यान से सुनो, एक है स्टेट, एक है इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की कहानी है। सो इंडिविजुअल स्टेट के बीचों बीच राइट, और रादर अपने एक जोन को डिसाइड करता है, ओके बोलता है ये मेरा एरिया है। व्हाट डज इट से? इट इज माय एरिया, इट इज ओनली माय एरिया, इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली माय एरिया। इस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में तो आएगा नहीं, कौन नहीं आएगा? स्टेट आएगा नहीं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर। सो स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड है, इट इज इनवायोलेबल। मैंने वर्ड क्या यूज किया? इट इज इनवायोलेबल, तुम इस एरिया में आओगे नहीं, जैसे लक्ष्मण रेखा बोला जाता है, तो ये इन्फ्लुएंस एरिया। सो इस इन्फ्लुएंस में आप क्या करोगे? ये देखो सर्कल में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा? हाँ मैं आ रहा हूं सर। तो ये सर्कल में ओके दिस इन्फ्लुएंस में मैं हूं क्या? सो आई कैन डू एनीथिंग, यस आई कैन बी एनीथिंग, आई कैन बिकम एनीथिंग। So in other words, I will be doing whatever I want to do.
आई विल बी व्हाटएवर आई एम एंड आई विल बिकम व्हाटएवर. इस एरिया में स्टेट तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस एरिया में आने का नहीं, राइट. दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी से स्टेट यू कैन नॉट कम. वर्ड मैंने क्या यूज किया, स्टेट यू कैन नॉट कम. समझ गए, आगे बोलो. स्टेट यू कैन नॉट कम. नेगेटिव लिबर्टी. बात समझ में आया या नहीं, ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट. व्हाई इज इट कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी, बिकॉज यू आर आस्किंग द स्टेट नॉट टू डू समथिंग. स्टेट इस एरिया में आने का नहीं, ये मेरा एरिया है, मैं इसे डिफाइन करूंगा, मैं इसे डिफेंड करूंगा. हियर आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग, आई कैन बिकम एनीथिंग. तो यहां पर है फ्रीडम फ्रॉम समथिंग. तो ये हमारे पास है क्या, हम एज इंडियंस के पास है क्या नेगेटिव लिबर्टी? ऑब्वियसली अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 व्हिच इज कॉल्ड द बेडरॉक ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बोलें, तो उस पे लिखा हुआ है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. जिन लोगों ने मेरी सब क्लासेस की हुई है, प्लस क्लासेस, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे, मुझे मालूम है, कैन इमेजिन, ओके, कि तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे, आर्टिकल 21 सेज यू कैन नॉट डिप्राइव मी ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो बहुत सारी चीजों में पर्सनल स्पेस में आप नहीं आ सकते, ओके, बहुत सारी चीजों में. तो मैं खाना क्या खा रहा हूं, ओके, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में हूं, मैं क्या पहनना चाहता हूं, मेरा धर्म क्या होना चाहिए, मैं शादी किससे करना चाहता हूं, द सो कॉल्ड आर्टिकल 21 आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. द पॉइंट हियर इज यू कैन नॉट अलाउ द स्टेट टू एंटर इनटू दिस टेरिटरी एट ऑल. तो मैंने पूछा ऐसा अपने आप से, मैं सोचा ऐसा क्यों, व्हाई शुड यू हैव नेगेटिव लिबर्टी, व्हाई शुड एन इंडिविजुअल बी गिवन नेगेटिव लिबर्टी. बेटा बिकॉज ये मेरे डिग्निटी का मामला है, ये मेरे स्वाभिमान का मामला है. मैं पहले इंडिविजुअल था, बाद में सोसाइटी बना. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. समझने की कोशिश करो तो मैं ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा. पहले मैं इंडिविजुअल था, बाद में मैं सोसाइटी का पार्ट बना. यस, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी की तरफ, बट पहली जिम्मेदारी मुझे अपने आप से. तो एक मूवी में एक मैडम बहुत अच्छे डायलॉग बोलती है, मैं अपनी फेवरेट हूँ. बड़ा अच्छा बात है, वैसे बात है, मैं अपना भी फेवरेट हूँ. सबसे पहले मेरे स्वाभिमान का मामला होना चाहिए. आई नीड माई स्पेस. ये इस पूरे दुनिया में, इस पूरे सोसाइटी में, यस, मेरी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट आई नीड माई स्पेस. सो दिस स्पेस को मैं नाम देता हूं, दिस इज मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. मैंने क्या बोला, ये जो लाइन मैंने खींची, कहां खींच रहे हो, अरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे हो ना, दिस मेरे एरिया में, दिस इज द मिनिमम जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. इस एरिया के बाहर डियर स्टेट जो करना है कर, इस स्टेट इस एरिया के अंदर आने का नहीं. इट इज इनवायोलेबल स्पेस, दिस इज नेगेटिव. अब एक और सवाल आता है, सर ये वर्ड तो बड़े खतरनाक वर्ड हो रहे हैं, ओके, वर्ड यहां पर आपने बोला मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. सो कितने किलोमीटर है, ओहो कैसी बात है, मतलब इन अदर वर्ड्स कौन कौन से एरियाज में, कौन डिफाइन करेगा कि ये एरिया कितना बड़ा होगा, को कितना टेरिटरी आप ऑक्यूपाई करते चले जाओगे. सोचने की बात है माय फ्रेंड, कि बिफोर द रीसेंट जजमेंट, ओके, बिफोर द रीसेंट आधार जस्टिस केस पुट्टस्वामी केस इन सोनभद्र, राइट टू प्राइवेसी को तो हमने अपना फंडामेंटल राइट माना ही नहीं था. दैट मींस इट वाज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 उस बिफोर दिस, ओके. सो राइट टू प्राइवेसी बिकेम आवर फंडामेंटल राइट, और रादर वाज interpreted by the Honorable Supreme Court to be our fundamental right just very recently. But अगर मैं इसी को पहले चले जाऊं, खड़क सिंह केस तक चले जाऊं, so 1950s में, 60s में, ये same constitution, हमारे same Supreme Court, obviously different bench, ने interpret किया था that right to privacy is not your fundamental right. तो क्या चीज होता है, what determines कि ये मेरे मिनिमम जोन ऑफ इंटरफेरेंस में आ भी रहा और नॉन इंटरफेरेंस में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. तो नोबडी नोस. ऑल्सो आज हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. एक जमाना ऐसा भी था जब यहां पर सल्तनत चलते थे, या फिर तानाशाह हो रहे थे, या व्हाटएवर दैट बी. उस टाइम पर हमारे बहुत सारे ये जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ना होते होंगे. एंड व्हाई टॉक ओनली अबाउट इंडिया, लेट्स गो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. इसका मतलब है, इसका कोई वर्ड नहीं है.
हाउ मच इज दिस एरिया, हाउ मच विल बी दिस एरिया, इस पर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना जोन बना दूं मैं। प्लीज अंडरस्टैंड ये पॉलिटिकल थ्योरी है, जितना मैं बोलूंगा उससे ज्यादा तुम्हें सोचना पड़ेगा, ओके, जबकि मैं तुम्हें शायद ही कुछ छोड़ूंगा फॉर डाउट्स, लेकिन फिर भी सोचते रहो हाउ मच एरिया, किस किस को मैं इंक्लूड करूं। तो मैं वो जो हमारा छोटा सा वो क्यूट सब बेयर था उसको मैंने पूछा कि भाई तू कितना बड़ा सर्कल ड्रॉ करेगा, बोला मुझे क्या पता। इन अदर वर्ड्स इट डिपेंड्स टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द हूज द रूलिंग गवर्नमेंट, स्टेट का क्या हाल है, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारी अवेयरनेस क्या है। सो हमारे अवेयर होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर गेम। सो इफ यू आर अवेयर ऑब्वियसली यू विल डिमांड bigger things, all right, or a bigger zone. तो बोलते हैं ना हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ओ भाई ये जो सारी दुनिया मांगने वाला एस्पेक्ट आएगी थोड़ा बाद में ही आया होगा इन ह्यूमन हिस्ट्री, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो लेबरर्स को या फिर दोस्त हुआ वर्किंग हार्ड उनको इतना बड़ा नॉन इंटरफेरेंस वाला जोन था ही नहीं, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ा तो ये सब हुआ होगा। So please understand, it depends, right? So this is always going to be a matter of debate. State bolega na, jada le, main bolunga aur do. I hope you are understanding. So there is going to be always a conflict in between the state and the individual. The state will say, we want to get into all these things, and then individual say, no, ye mere self-esteem ka mamla hai, ye mere dignity ka mamla hai. Or that is the reason the individual chilla chilla ke bolta hai, am the master of this area. और जितना ज्यादा तुम एरिया दोगे इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई फ्रीडम, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ये ह्यूमन डिग्निटी का एस्पेक्ट हो जाएगा। सो एज ए ह्यूमन तुम मुझे जितना उस चीज को उस जोन को नैरो करते चले जाओगे तो मेरी फ्रीडम को सप्रेस करते जाओगे। रिमेंबर मैं पहले आया, सोसाइटी बाद में आई, स्टेट बाद में आया। I am not saying कि मैं ज्यादा important हूं या वो ज्यादा important है, it's the name of the game. लेकिन मेरी अपनी तरफ भी duty है और उस duty का नाम is this zone of non-interference. So अगर मैं ये बात पूछना, मैं इस चक्कर में जाना नहीं चाहूंगा, बड़ा major trap में फंस जाएगा, गलती से मैं मत बोल देना कि state ज्यादा important है कि individual, इस पर तो एक बड़ी लंबी दास्तान है, we will decide that on a different aspect. तो हम एरिस्टॉटल पे भी जाएंगे, प्लेटो पे भी जाएंगे, तब वी विल अंडरस्टैंड दिस, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फोकस आवरसेल्फ इनटू द नैरो जोन ऑफ लिबर्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट है द स्टेट ऑफ द साइज ऑफ द एरिया और द साइज ऑफ द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीडम एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमन डिग्निटी। ये सब क्वेश्चन तुम्हें आते हैं अगर तुम पीएसआईआर के आंसर देना चाहते हो, तुम्हें पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आनी चाहिए। अब हम चाहेंगे पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ, तो एक हो गया नेगेटिव लिबर्टी, अब लैंग्वेज चेंज करो, ओके, नाउ चेंज द लैंग्वेज। सो पॉजिटिव लिबर्टी इज फ्रीडम टू डैश, क्या फ्रीडम टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मैंने क्या बोला, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, टू बी समथिंग और नॉट टू बी समथिंग, टू बिकम समथिंग और नॉट टू बिकम। आई होप सबको समझ में आया। इससे सिंपली तुम्हें किसी ने पॉलिटिकल थ्योरी धरती में नहीं पढ़ा सकता। अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो पिछली बात था फ्रीडम फ्रॉम, ये है फ्रीडम टू। सो फ्रीडम फ्रॉम एबीसीडी रहा भैया सारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हटाने का, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी इज फ्रीडम टू बी समथिंग, डू समथिंग, बिकम समथिंग, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। अब ये बात समझना भी इतना आसान है नहीं, ओके, सो यू विल हैव टू स्लाइटली गो इन दैट जोन जहां पे मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। सो मैंने अगर मैं इंडिविजुअल से ये सवाल पूछू, मैं तुमसे सवाल पूछू हु गवर्न्स यू, या फिर तुम अपने आप से पूछ लो, मैं क्यों पूछू हु गवर्न्स मी, ओके हु गवर्न्स मी, तो मालूम है वो जो नादान परिंदे है जिन्होंने यू नो आइडियल यूटोपियन वर्ल्ड देखा है, ओके, वो बोलेंगे आप बहुत ही सिंपल आंसर है। क्या सिंपल आंसर है? आंसर ये है आई गवर्न माइसेल्फ। ये बड़ा एंजेलिक है, वाह कितना अच्छा, यूटोपियन वर्ल्ड है। आई गवर्न माइसेल्फ, आई एम द मास्टर ऑफ माय ओन डेस्टिनी। ये वर्ड्स तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये इतना सच है? इज इट रियली द ट्रुथ? मतलब
मतलब इज इट रियली द ट्रुथ कि यू गवर्न योर सेल्फ, ये जिद मेरे को दिल कर रहा है। क्या दिल करने का, कि मेरे को ये ना ऐसे कर, सोच रहा हूँ कि मैं ना सामने वाले का ये पूरी बिल्डिंग अपने पास रख लूँ। क्या माशाल्लाह सॉलिड बिल्डिंग है भाई, ऐसे नहीं ले सकता तू। क्यों? क्योंकि लॉज है, ओके, पोजेशन है किसी और का, मालिकाना हक किसी और का, यू कांट डू। अच्छा, मेरे को एक थॉट आया कि मैं ना थोड़े देर के लिए, आज के लिए, ओके, सिर्फ आज के लिए मेरे पास एक गन हो और मैं जिस मर्जी को गोली मार दू। क्या मजाक लगा रखा हुआ, यू कैन डू दिस, वाई? तो बट आई गवर्न माई सेल्फ। अरे नहीं भाई, यू कैन नॉट गवर्न योर सेल्फ इन द एक्सक्लूजन ऑफ द स्टेट। कुछ समझ में नहीं आया? मैंने क्या बोला? यू कैन नॉट गवर्न योर सेल्फ विद द एक्सक्लूजन ऑफ द स्टेट, यू आर अ पार्ट ऑफ द स्टेट। तो एक पानी की बूंद, ओके, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, ओके, वो ड्रॉप ऑफ वाटर होती है, मैं ओशन में नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ओशन की नहीं है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। अब बात यहां पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इज द ओशन एनीथिंग विदाउट दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एंड द सेकेंड इज आर दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर एनीथिंग एल्स बट द ओशन। सो द कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। इन अदर वर्ड्स, कि यहां पर एक बड़ा मेजर इंटरमिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है, विच इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। वी आर लिविंग टूगेदर, ओके। सो ये तुमने बायोलॉजी के चैंपियंस हो तुमने, पर तुमने कभी पॉलिटिकल थ्योरी में बायोलॉजी नहीं पढ़ी। तो सिम्बायोसिस तुम्हें मालूम है, टू ऑर्गेनिज्म नीड नॉट बी कॉन्फ्लिक्टिंग विद वन अनदर, दे कैन लिव ऑफ वन अनदर, बोथ ऑफ देम गेटिंग एडवांटेज और बोथ ऑफ देम गेटिंग देयर आइडेंटिटी, व्हाट एवर दैट बी, अब डिपेंडिंग ऑन। अब इसमें से प्लीज ये मत सोच लेना कि मैंने बड़े एनिमल को स्टेट और छोटे को इंडिविजुअल भी बनाने के लिए दिखाया था, ऐसा नहीं है। वैसे तुम मान भी सकते हो, देखिए मेरा ऐसा कुछ भी इतना डराने वाला सीन नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि इंडिविजुअल एंड स्टेट विल ऑलवेज बी सिम्बायोटिक, दे विल ऑलवेज हैव द एडवांटेज ऑफ वन अनदर। तुम एक दूसरे को अलायदा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी सेपरेटिंग, इट हैज टू बी इंक्लूसिव। और ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव लिबर्टी का आता है। तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड वे अंटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, फ्रीडम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैं ना 5 सेकंड ऐसे देखता हूं और तुम इसको इसे पढ़ लो, फ्रीडम टू, फिर से इसको खींचते हैं, ठीक है, लाइन को समझने की कोशिश करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑन यू नो ओनली अ वीडियो जहां पर मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि प्लस क्लासेस का पार्ट बनो। लेकिन कितने अच्छे मैंने वीडियो में मैंने क्या बोला, एवरी इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू बिकम द बेस्ट वर्जन। यहां पे मैंने फुल स्टॉप नहीं डाला मेरे बच्चा, मैंने बोला बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, मैंने बेस्ट वर्जन नहीं बोला। इन अदर वर्ड्स, मैं एक अकेडमिकली ओके बहुत पढ़ाकू बच्चा हूं, मुझे बड़ी लगन है पढ़ाई करने की, राइट, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो तुम मेरे हाथ में क्रिकेट बैट थोड़ा दे दोगे, ऑब्वियसली तुम मुझे बुक्स ला के दोगे, कॉलेजेस बनाओगे, यूनिवर्सिटी बनाओगे, ताकि आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मुझे पढ़ाई का ध्यान नहीं रखता, लेकिन जब मैं स्ट्रोक मारता हूं ना, ओहो, बॉल ना बिल्कुल गोली की तरह चली जाती है बाउंड्री के पार। अब मैं बनना चाहता हूं स्पोर्ट्समैन, मुझे यूनिवर्सिटी के बुक्स नहीं चाहिए, मुझे प्लेग्राउंड्स चाहिए, मुझे स्टेडियम चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। दिस इज बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई एम नॉट फिजिकली फिट, ओके, देयर इज सम ऑर्गेन, मेरा हैंड, मेरा फीट, सम ऑर्गेन्स, ओके, आर नॉट वर्किंग वेरी वेल, नेवर माइंड, डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे वो फैसिलिटीज चाहिए विच विल मेक मी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी, दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी, बिकॉज मैं बोल रहा हूं स्टेट को, ये स्टेट है, बताओ कैसा लग रहा है, मतलब स्टेट को, डियर स्टेट, गिव दिस इंडिविजुअल पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट सो दैट ही बिकम्स द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। आह, शायरी है,
तुमने कभी ऐसा मैथमेटिकली फॉर्म में पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ा, पता हो इसके बाद कोई कंफ्यूजन रह सकती है तुम्हें? नहीं रह सकती। मैंने क्या बोला, स्टेट यू शुड प्रोवाइड, यू शुड डू समथिंग टू प्रोवाइड पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू द इंडिविजुअल सो दैट ही बिकम्स द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। क्या बोला मैंने, स्टेट डू समथिंग, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई। तो हम चाहे बात यहां से स्टार्ट करें, चाहे पीछे से स्टार्ट करें, चाहे आगे तक, वी आर आस्किंग द स्टेट टू डू समथिंग। नेगेटिव लिबर्टी में हम स्टेट को बोल रहे थे डोंट डू समथिंग, डोंट कम इन माई मिनिमम जोन ऑफ इंफ्लुएंस और मिनिमम जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यहां पर हम उल्टी बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्टेट कुछ कर, कुछ कर, क्या कर, वो कर जिससे मुझे पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले टू द इंडिविजुअल सो दैट ही बिकम्स द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। यहां पर बेस्ट वर्जन ऑफ स्टेट का अंदाजा नहीं है, तो ऐसा बड़ा अच्छे से बोलते हैं, एक फूल होता है ना फ्लावर, ओके, उस फ्लावर को थोड़ी सी सनलाइट चाहिए होती है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है, थोड़ा सा वाटर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं डालने का, और रेगुलर केयर होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द इंडिविजुअल। तो ध्यान से सुनो, तुमने कभी फ्लावर उगाया है? ओके, कभी गार्डनिंग की है? हाँ सर किए। क्या किया सर? हम ना सुबह से शाम उसको ऐसा पकड़ पकड़ के देखते रहे कि कब उठेगा, कब उसके ऐसा बडिंग होगा, कब वो फ्लावर करेगा। ऐसा नहीं करना होता, यू हैव टू बी बैलेंस्ड, ओके, यू हैव टू सी कि दोनों चीजें बैलेंस हो जाए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लाइफ जो वर्ड लिखा है आर्टिकल 21 में, क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर जो वर्ड लाइफ है ना माय फ्रेंड्स, वो लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इंटरप्रेट किया है, इट इज मोर देन मियर एनिमल एक्सिस्टेंस, द इनहिबिशन अगेंस्ट इट्स डिप्रिवेशन एक्सटेंड्स टू ऑल दोस लिम्स एंड फैसिलिटीज बाय व्हिच लाइफ इज एंजॉयड। Life is living with choice and dignity. Francis Coralie Mullen was the Union Territory of Delhi case में, या फिर उससे पहले मनेका गांधी was the Union of India 1978 case में, यही Supreme Court ने बोला था that life that is the word that is used is not living. सांस लेना, सांस लेते रहना जिंदगी नहीं है, जिंदा रहने की आदत है। Life is living with choice and dignity, where you become the best version of yourself. What a beautiful concept. यार अगर तुम्हें ये romantic नहीं लगता, अगर ये तुम्हें गूज़बम्प्स नहीं लाता, अगर तुम्हें ये आहा मोमेंट नहीं लाता, तो तुम व्यर्थ ही मुझसे पढ़ रहे हो। पॉलिटिकल थ्योरी इज वेरी 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 नाइस। तो अगर मैं इस वर्ड को देखूं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। तो एक आदमी है यार, सांस ले रहा है, जिंदा है, लेकिन ही इज नॉट हैविंग द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फेथ, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन्स चॉइस, राइट टू इवन डाई, इफ इफ चॉइस एंड डिग्निटी नहीं है तो ही इज लिविंग, कोई डाउट नहीं, लेकिन इट इज नॉट लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ इज अ ब्रॉड वर्ड, इट इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज चॉइस एंड डिग्निटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस नॉट मियरली ब्रीदिंग, लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी नॉट मियरली द फिजिकल एक्ट ऑफ लिविंग। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, ऑसम कॉन्सेप्ट, you have to understand this. So very 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 important part is कि हम लोग जब बात बोलते हैं individual identity की, यार हम एक गलत फहमी कर देते हैं। individual का मतलब ये नहीं कि भाई ये individual है और मैं society से अलग जाके खड़ा हो जाऊं, नहीं मेरा बच्चा। individual, okay,
हैज टू कैन नॉट बी लीविंग, तुम संन्यास लेकर नहीं बैठ सकते कि मैं तो इंडिविजुअल, मैं इस सोसाइटी से बात ही नहीं करूंगा. नो, तुम्हें डेवलप भी करना है, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो तुम्हें सोसाइटी के अंदर भी रहना है, तुम्हें डील भी करना है, और फिर भी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है. सो इफ यू लुक एट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवन द एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन, तो हम पॉलिटिकल थ्योरी अभी अभी थोड़ा आई है. सो आई टीच यू ऑल ऑफ देम ऑल्सो. सो अगर हिंदू सिविलाइजेशन का भी बात करें, तो कमल के फूल का, द लोटस फ्लावर का, इस पे बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट होता है. सो इट इज सेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पार्ट राइट नाउ, बट ऐसा बोला जाता है कि द लोटस होता है, उसके लीव्स वो कीचड़ में उग रहा होता है, लेकिन स्टिल वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है. नथिंग कम्स ओवर द कमल का फूल. द लोटस इज एक्चुअली ऑन द कीचड़, और द इज वेरी वेरी सिमिलर टू दिस एनालॉजी बिटवीन एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड स्टिल मेंटेन योर आइडेंटिटी. तुम हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, वेयर एक्चुअली सेज दिस वेरी. तो पॉलिटिकल थ्योरी कोई अलग से टॉपिक नहीं, इट इज अ वेरी वेरी इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइकोलॉजी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिलोसफी, एंड लॉट्स ऑफ हार्डवर्क. सो जब तुम ये बात समझते हो दैट व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग कि एक है इंडिविजुअल, एक है सोसाइटी, तो या स्टेट जो मर्जी बोलो, तो दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है. स्टेट को भी उस एरिया का रिस्पेक्ट करना चाहिए जहां इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और इंडिविजुअल को भी उतना रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए कि हम अलग नहीं हो सकते. वी कैन नॉट बी अवे फ्रॉम द स्टेट, वी कैन नॉट बी द कॉन्सेप्ट ऑफ कि हमें तो जो परवाह नहीं है स्टेट की, यू कैन नॉट डू दैट. बोथ ऑफ देम हैव टू हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन एंड अ वेरी ब्यूटिफुल बैलेंस. जैसे ही ये बैलेंस हिलने लग जाएगा, जैसे ही ये खराब होने लग जाएगा, क्योस हो जाएगा. सो दैट इज वेयर वी हैव टू स्टॉप दिस कॉन्सेप्ट. तो कभी कभी इंडिविजुअल स्टेट की बात नहीं मानता, या स्टेट की बात नहीं मानना चाहता, या फिर स्टेट इतना कमजोर हो जाता है दैट एक स्टेट हो जाता है, एक सिचुएशन हो जाती है जिसको बोलते हैं एनार्की, अराजकता. तब इंडिविजुअल भारी होने लगते हैं, हावी होने लगते हैं ओवर द स्टेट, और फिर लॉलेसनेस की सिचुएशन हो जाती है, स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इंस्टीट्यूशंस फॉल एंड बर्बाद हो जाता है. कभी कभी स्टेट को बड़ा मजा आता है, तो मैं स्टेट कभी कभी उस जोन ऑफ इंटरफेरेंस और नॉन इंटरफेरेंस में घुसने चले जाता है. तो मैंने स्टेट को बोला, और आमतौर पर स्टेट ऐसा करता है ना, बड़े स्टाइल से करता है. तो अगर स्टेट कभी जोन में आने लगता है और तुम स्टेट को पूछो, स्टेट क्या कर रहे यार, तू कर क्यों रहा है, क्यों जा रहा है उस जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में, तो स्टेट बोलेगा कैसी बात कर रहे हो, हम तो मदद करने जा रहे हैं. रिमेंबर, हमने तुमको फर्टाइल एरिया देना है, हमें तुम्हें केयर देना है, हमको तुमको वाटर देना है, हमको तुमको लाइट देनी है, ताकि तुम पनपो, ताकि तुम बड़े हो जाओ. ओहो, नहीं चाहिए भाई, हम खुद मैनेज कर लेंगे. बट स्टेट बोला कैसी बात कर रहे हो, मुझे मालूम है ना तुम्हें मेरी जरूरत है. हम बोलेंगे नहीं स्टेट, हमें तेरी जरूरत नहीं है. सो आइदर वेज यू विल सी मेनी टायरानिकल रेजिम्स, जो जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे, वो हर चीज में करेंगे, सेंसरशिप के फॉर्म में, समटाइम्स विल बी गाइडिंग तुम क्या करो, नॉर्थ कोरिया क्लासिकल एग्जाम्पल, कि तुम क्या करो क्या नहीं करो, क्या टीवी पे देखो क्या नहीं देखो, क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, क्या रिलीजन फॉलो करो क्या नहीं करो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो व्हाट आर दे गेटिंग इनटू, दे आर गेटिंग इनटू द जोन ऑफ माय मिनिमम जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट? एंड देन दैट आहा मोमेंट विल कम टू योर माइंड, हाँ यार ऐसा होता है. सो दीज टिरेनिकल डिस्पोटिक रेजिम्स, डिक्टेटर्स, जहां पर जरूरत से ज्यादा लॉ के नाम पर, दे विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड योर मिनिमम जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और फिर उसमें होता क्या, तुम्हारी फ्रीडम गायब बिल्कुल तुम्हारी, और फिर वो धीरे 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 वो दरवाजे और नैरो डाउन होते चले जाते हैं. फिर एक दिन तुम्हारी डेमोक्रेसी भी चली गई, कहानी खत्म, और जी हो गया खत्म, बाय बाय. कौन सी फ्रीडम, फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम तो है ही नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ह्यूमन डिग्निटी. अब तुम सिर्फ एक इंसान के फॉर्म में तुम आए और चले गए. सो इट वॉज मियरली फिजिकल एक्ट ऑफ लिविंग. कौन जीता, स्टेट. सो यू कैन नॉट डू दिस पार्ट, एंड दैट इज वाई बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने बहुत बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है और सोचा हुआ है ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबर्टी. और उसमें से जो आज के लिए हम करेंगे विल बी द ग्रेट, और एक बुक थी विच इज कॉल्ड ऑन लिबर्टी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, और ये आपके कोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो हम मिल साहब से बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज जॉन स्टुअर्ट मिल स्पीकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी. तो
तो कॉन्सेप्ट यहां पर है, अब दो क्वेश्चंस है, तो मैं मिल से बात कर रहा हूं कि बड़ी पुरानी पहचान है। सो आई एम स्पीकिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल एंड से कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ही सेड व्हाट डू यू वांट टू नो। आई सेड आई वांट टू नो वेयर कैन द स्टेट इंटरफेयर, वेयर कैन द स्टेट नॉट इंटरफेयर, हाउ मच इज माय लिबर्टी अलाउड टू बी इंटरफेयर्ड, हाउ मच इज नॉट। सारा क्वेश्चन ये नहीं है, व्हाई व्हाई तो मुझे मालूम है, तुमने वो भी बता तो दिया, ह्यूमन डिग्निटी की बात है, लेकिन ये हाउ मच इज अ वेरी मेजर हेडेक, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू इंटरफेयर एंड व्हेन आर यू नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। तो दो क्वेश्चंस का जवाब देना है तुमने मेरे को, कौन कौन से? नंबर वन, तो मिल सर से बात कर लेते, वेरी वेरी बिग स्कॉलर, तो मिल सर विल एक्सप्लेन। तुमने ऑन लिबर्टी अगर बुक पढ़ेगी तो तुम बेहोश होकर गिर जाओगे, मैं तुमको इतना सिंपलिस्टिकली समझा दूंगा ना, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, मुझे थैंक यू का कार्ड भेजोगे। सो द पॉइंट है, मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं, व्हेन विल द स्टेट इंटरफेयर एंड हाउ मच विल द स्टेट इंटरफेयर। ओके, मैंने दो क्वेश्चन पूछने हैं, कौन कौन से? व्हेन विल द स्टेट इंटरफेयर इन माय लाइफ एंड हाउ मच विल द स्टेट इंटरफेयर इन माय लाइफ। ओके, और रादर लाइफ अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो वो याद रखना, वो जो बेयर ने ऐसा गोल बना के रखा था ना, द मिनिमम जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कहां तक आओगे और कब आओगे। सो देर आर टू क्वेश्चन, ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर मिल ने दिया बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द हार्म थ्योरी। दो इश्यूज है, ओके, सबसे पहले ये देखना है कि एक इश्यूज होते हैं पर्सनल, एक होते हैं पब्लिक, तो पहले ये देखने वाला है पर्सनल कौन से होते हैं और पब्लिक कौन से होते हैं। पर्सनल वो होते हैं कि जब मैं उन कुछ करूं, इफ आई डू समथिंग और इफ आई डोंट डू समथिंग, ओनली आई गेट अफेक्टेड। मैं फिर बोल रहा हूं, इफ आई डू दिस, इफ आई डू एन एक्ट और इफ आई डोंट डू एन एक्ट, द ओनली पर्सन हु इज अफेक्टेड इज मी, इट डजंट अफेक्ट द अदर वन, सिंपल एज दैट। तो ये बड़ी अच्छी तरह से, ओके, यू हैव कैन अंडरस्टैंड दिस इन द एक्शन ऑफ। तो मैं क्या खाना खा रहा हूं बताओ भाई साहब, देखो खाना कैसे खा रहे, ऐसे पिज्जा खाएंगे, ओके, बताओ इनकी तबीयत नहीं खराब होगी, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा, भाई कम खा। ये बोलेगा मेरे पास स्टेट ज्यादा इंटरफेयर मत कर, मेरी जिंदगी, मैं जो मर्जी खाऊं, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तुझे क्या प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अफेक्टिंग यू। मैं कहा ठीक है। सो स्टेट ने बोला मैं इस पर कोई लॉ नहीं बनाने वाला, इसको जो खाना खाए, ओके, मैं कह रहा हूँ। फिर इन द प्रिवेसी ऑफ योर लाइफ, इन द प्रिवेसी ऑफ योर होम, तुम जो टीवी पे देखना चाहते हो, तुम कोई मूवी लगा के देखना चाहते हो, हॉरर मूवी है, ओके, वायलेंट मूवी है, इट कैन बी वेरी वेरी रॉन्ग मूवी, पोर्नोग्राफी है, कुछ भी है भैया, तुम्हारी मर्जी, दिस इज योर लाइफ, योर एब्सोल्यूट फन, ओके, तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना ना देखना। तो दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी अंडरस्टूड। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, जब पोर्नोग्राफी बैन हुआ था, राइट टू प्राइवेसी की डिस्कशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो व्हाट आर यू सेइंग कि इट्स कंप्लीटली योर हेडेक यार, व्हाट यू आर वाचिंग इन द प्राइवेसी ऑफ योर हाउस, ओके, इज योर हेडेक, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद अस। ऑल्दो इस पर अभी हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, क्योंकि तुम्हारे मन में भी कुछ कुछ सवाल आ रहे होंगे जो तुम आजकल न्यूज़पेपर में देख रहे हो, वो बात अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ओके, लेकिन ओके, सो दिस इज आई मी और माइन, ये मैं हूं, मेरा है, तकलीफ होगी तो मेरी भला होगा, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल होगा, तो मेरा पता नहीं, इसको पक्का ही होने वाला है, इतना इतना पिज्जा खाएगा। आइदर वे, सो दिस इज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द पर्सनल पार्ट। तो मिल बोलते हैं कि पर्सनल कॉन्सेप्ट में ना तुमने कोई भी लॉ नहीं बनाना चाहिए। सो स्टेट को बोला भाई तू है ना कुछ इस पे लॉ वॉ मत बनाना, ओके, पब्लिक पे बना सकते हो। अब पब्लिक पे क्या हो गया सर, हाउ कैन यू से पब्लिक, ओके, पब्लिक वो होगा विच विल अफेक्ट यू, ओके, बट इट विल सर्टनली अफेक्ट समबडी एल्स ऑल्सो, जैसे राइट्स है, ओके, अब तो राइट्स है, टेररिज्म है, क्राइम है, दंगे कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, यू आर गोइंग टू हार्म समबडी एल्स। थ्योरी का नाम क्या है? हार्म। फर्स्ट थ्योरी में यहां पे था पर्सनल, जो भी तुम गलत कर रहे हो उससे तुम्हें नुकसान है या तुम्हारा ही भला है, तुम्हारा तुम्हें लगता है तुम्हारा भला है, बट इसका भला नहीं होने वाला 100%, ही इज ईटिंग टू रॉन्ग थिंग्स बट इट्स योर हार्म। द स्टेट विल से जैसे भैया तेरी गलती है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड ईयर इज की ओवरटली स्पीकिंग तुम्हारे एक्शन से किसी और का नुकसान हो रहा है 100%, ओके, तुम किसी के प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, किसी की जान माल का नुकसान हो रहा है, पीस है, पब्लिक ऑर्डर है, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी ऑफ द नेशन है, कुछ तो इन्फ्लुएंस हो ही रहा है। सो व्हाट इज मिल सेइंग दैट व्हेन इट इज पर्सनल, स्टेट डोंट इंटरफेयर एट ऑल, देखो ही मत, ओके, डोंट पीप इनसाइड द रूम ऑफ द पीपल। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया था व्हेन देयर वाज डिस्कशन ऑन द राइट टू प्राइवेसी। So, let's not discuss personal things. Let's only discuss with the
ones which are understanding this. जैसे ही other people get influenced, तो ये देखो भाई साहब आ रहे हैं, मालूम है कौन है भाई साहब, ये स्टेट है, ओके, स्टेट से सिद्धार्थ देख ले बेटा, ओके, पर्सनल में मैं आऊंगा नहीं, जैसे ही तुमने एनी अदर पर्सन को, एनी अदर को इन्फ्लुएंस किया, सेल्फ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एनी अदर को आऊंगा, ये मेरी तलवार है, आह, इस तलवार को बोलते हैं लॉ, ओके, मैं लॉ रेगुलेशन पॉलिसी लेकर भागते हुए आऊंगा, आई विल इंटरफेयर, उस टाइम पर मेरे को वो लाइन मत खींच के बता देना कि मेरा जोन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, वो गया. द मोमेंट यू आर गेटिंग इन टू द लाइफ ऑफ समबडी एल्स, यू आर कॉजिंग हार्म टू समबडी एल्स, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल कम एंड अटैक यू. मैं बात समझ गया हूं, एंड दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. अब इसके बाद एक और बात है, फिर मैंने मिल से पूछा कि आपने बोला हार्म, एक होता पर्सनल, एक होता पब्लिक, पब्लिक में तो ये आएगा ही आएगा. अब मिल ने बोला, मिल बड़े स्मार्ट, तो मिल बोले सिद्धार्थ यार ये भी नहीं होता, सी व्हेन यू इज एन हार्म, ओके, व्हेनेवर यू से कि मैं कुछ करूंगा तो सामने वाला इफेक्ट होगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस. मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूं, मैं अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा हूं. अब मुझे क्या मालूम था कि म्यूजिक साउंड वेव्स होती है, वो बाहर भी ट्रेवल करती है, मेरे से पूछ रही थोड़ा ना जाएगी. अब मैं जोर से सुनना चाहता हूं, मैं मेटालिका सुनना चाहता हूं, नथिंग एल्स मैटर्स. अब भाई मेटालिका ने चिल्ला चिल्ला के बोला इतने जोर से, मैं क्या करूं, द साउंड गोज एंड ट्रेवल्स आउटसाइड माय रूम, आई कैन स्टॉप इट, लेकिन द प्रॉब्लम ओवर हियर इज इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस समबडी एल्स. हाँ, इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस समबडी एल्स. नाउ यहां पर दो चीजें होती है, एक होती है कि मैं डेलिबरेटली ऐसा जोर से लाउड स्पीकर लगाऊं जोर से कि रात की नींदें उड़ा दूं, दूसरा है दैट आई एम डूइंग व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग फॉर माय सेल्फ, बट कोइंसिडेंटली और रादर जस्ट बाय चांस बाय हैपेंस्टांस इट इज अफेक्टिंग यू. अब गड़बड़ हो गई, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये इतना सिंपल नहीं है. सो इट इज इट पर्सनल और इज इट पब्लिक, आई डोंट नो, पर्सनल तो नहीं रहा, नहीं यार पर्सनल है, मैं म्यूजिक सुन रहा था, बट पब्लिक भी है बिकॉज इट इज अफेक्टिंग समबडी एल्स ऑल्सो. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइनर एंड मेजर हार्म. मैंने क्या बोला, इज इट अ माइनर हार्म और अ मेजर हार्म. मेजर हार्म इज द वन जिसमें सही मायनों में मैंने डेलिबरेटली या फिर ओवरटली सामने वाले को इंफ्लुएंस हो गया, ओके, ही इज अफेक्टेड. दूसरा इज दैट माइनर हार्म जिसको आमतौर पर आप एक इनकन्वीनियंस भी मान सकते हो, यार सामने पार्टी चल रही है, ओके, और यार बच्चों की पार्टी है या इवन यंगस्टर्स की पार्टी है, ऐसा थोड़ा होता है, हर टाइम यंगस्टर्स विलेनेस ही बताए जाते हैं, यार पता नहीं ऐसे तो बिगड़े हुए सब लोग थोड़ा बिगड़े होते. सो इफ यू आर प्लेइंग म्यूजिक एंड जस्ट बाय एन हैपेंस्टांस इट इज कमिंग, देन ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अफेक्टेड, बट आई डोंट थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड एज हार्म. ये आई डू में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओके, ये मिल की बात कर रहा हूं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए मिल में हूं, ओके, सो आई एम मिल फॉर द टाइम बीइंग, सो आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिल्स व्हाट इज कॉल्ड एज हार्म्स थ्योरी. सो अ वेरी मेजर कॉन्सेप्ट हियर इज कि आपने ये देखा है, यू नो, आमतौर पे व्हाट मिल इज सजेस्टिंग कि यार जो माइनर चीज है ना उसके लिए लॉ मत बनाओ, डोंट कम विद लॉ, डोंट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, मेक इट अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल अप्रूवल और सोशल डिसअप्रूवल रादर. ओके, तो माइनर चीजों के लिए सोशल डिसअप्रूवल करो, ओके, तो जैसे स्पिटिंग हो रही है, ओके, तो तुम एक बीच में कैंपेन हो रहा है, छी छी कैंपेन, अरे छी कैसे कर रहा है, यू नो दैट्स इट. सो ऑल दोस थिंग्स इज सोशल डिसअप्रूवल. सो रादर देन, सो माइनर हार्म को माइनर की तरह समझा जाए और मेजर हार्म के लिए लॉ बनाया जाए, लेकिन यहां पर ना बहुत फाइन लाइन है, इतनी फाइन लाइन है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम इस लाइन को देखो, यहां पर यही स्पिटिंग, यहां पर यही स्पिटिंग इज मेड अप विद सोशल डिसअप्रूवल, और यहीं पर यही स्पिटिंग हैज बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस. और भाई स्टेट भागते हुए आ गए, फिर से पता, मैंने स्टेट को बोला, फिर तू आ गया, बोला यस, बोला हमने बहुत कोशिश की तुम्हें प्यार से समझाने की, हमने बहुत कोशिश की सोशल डिसअप्रूवल करने की, लेकिन तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा, सो अब हमको स्पिटिंग को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा. तो वैसे ही था जब कोविड हो रहा था, तो बोला गया यार मास्क पहन लो यार, ओके, तो हमने बोला हाँ ठीक है यार मास्क पहन लेते, लेकिन तुम लोग फिर प्यार से माने नहीं, फिर हमको लॉ बनाना पड़ा, 2,000 रुपए के फाइन बनाने पड़े. हमने बड़े प्यार से समझाया, स्कूटर चलाते हो यार,
तो यार हेलमेट पहन लिया करो, तुम्हारा ही सर फटेगा। बोले हाँ, फिर थोड़े बोले ये तो हमारा एरिया है। बोला ऐसा नहीं है तुम्हारा एरिया, अब इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें प्यार से नहीं समझ आ रहा, लेट्स मेक अ लॉ ऑन दिस पॉइंट। सो यू अंडरस्टैंड दैट दीज आर थ्योरीज, ओके, बट अगर थ्योरीज को अडेप्ट करना होता है टू चेंजिंग टाइम्स, तो आपको अडेप्ट भी करना आना चाहिए। करेक्ट। सो मिल के कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस देने चाहिए, ओके, बट ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट उठा के देख लो ना, सब में रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे कीवर्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे बच्चा, कीवर्ड इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हम लोग इसको बाद में भी पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिल्स का, रोजू का आएगा। सो वील अंडरस्टैंड ऑन दिस पार्ट की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सेज यू कैन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी, एनी अदर मींस एक्सप्रेस व्हाट इज योर व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। बट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 सेज कि देयर शैल बी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, डिफेमेशन, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी, मोरालिटी, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, एज वेल एज फ्रेंडली रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज। बताओ जी क्या है रीजनेबल? तो मैं बोलूं भाई तूने गलती से भी क्रिटिसाइज कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, तो मैं कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा, ऐसा नहीं होगा, रीजनेबल होगा। ओके, व्हाट इज रीजनेबल? व्हिच अ लॉजिकल एजुकेटेड पर्सन इन द करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड फाइंड्स इट लॉजिकल एंड करेक्ट। वाओ, सो ब्यूटिफुल। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज व्हाट इज गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिल। पता चला कि हमें बैलेंस करना है नेगेटिव लिबर्टी विद पॉजिटिव लिबर्टी। अब तुम्हें एक होमवर्क हो गया, पता तुमने ऐसे कभी पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरी, पर क्या सॉलिड कॉन्सेप्ट से तुमने नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी कंबाइन किया, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया और तुम्हारा एक पॉलिटिकल थिंकर का भी कॉन्सेप्ट हो गया विद रिगार्ड्स टू मिल। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते, आंसर इन द टर्म्स ऑफ मिल, अपना आंसर मत दे देना, मुझे तुम्हारे आंसर से कोई मतलब नहीं, मिल साहब का, ओके, द कॉन्टेक्स्ट यानी कि हार्म थ्योरी के बेसिस पर तुम आंसर दोगे, डू वी हैव द फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट। व्हाट अ क्वेश्चन, अपना आंसर मत दे देना, ओके, आई वांट यू टू आंसर दिस इन 200 वर्ड्स, ओके, और इसी कमेंट में आंसर देना, लेकिन अपना आंसर मत देना, मुझे तुमसे आंसर नहीं है, यू हैव टू आंसर दिस इन टर्म्स ऑफ मिल। मिल में अभी अभी जो थ्योरी दी है, जो हमने पढ़ी है, उस थ्योरी के अनुसार तुम आंसर दोगे, डू वी हैव द फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट, यस देन वाई, Not, then why, both, then why, and how. Let us answer this. अब तुम्हें समझ में आएगा, how will you actually address these questions, and then you will understand. तो अब तुम्हें समझ में आ गया बेटा, पढ़ते कैसे political theory. तो बड़े style से, बहुत ही romantic subject, बहुत ही अच्छा subject, बहुत ही interesting, and very, very rewarding. तो अगर तुम PSIR की classes attend करना चाहते हो, अब शुरू होने वाला है, तो तुम समझ ही सकते हो कि इसको बहुत अच्छे तरह से address किया जा सकता है. Go for a combination courses. अपना पैसा बचाओ. Okay. Take up GS and optional का combination courses. 29% off, 42% off, 26, 37. सिर्फ जो याद रखने वाली बात है, वो तुमने code use करना है. SIDLIVE. SIDLIVE. In the words of Unacademy. Let's crack it. Until next time. God bless. Thank you. And Jai Hind.